तो आज का दिन बहुत ही महान दिवस 22 जनवरी, इसको आज के दिन सभी जगह राष्ट्रीय अवकाश भी घोषित करा जा रहा है, जहां पे आज अयोध्या में राम अवतरण होने जा रहा है। बहुत ही अच्छी बात प्रमाण सागर महाराज जी ने कही थी कि ऋषभ भगवान का र, महावीर भगवान का म, आदि से अंत तक जो 24 तीर्थंकर हमारे प्रथम से 24 तक, 24 तीर्थंकर जो हमारे हुए हैं और 2024 सन भी हमारा चल रहा है, और 20 तीर्थंकर जो विद्यमान हमेशा विदेह क्षेत्र में रहते हैं, 20, 24 और 22, आज 22 जनवरी को बहुत महान दिवस के रूप में, पूरा हिंदुत्व के रूप में इस देश को, देश में आज मनाया जा रहा है। जगह जगह पूरे शहर में जैसे पूरा शहरी केसरिया हो गया है, आज हमारो रंग केसरिया, इस प्रकार का आज पूरा वातावरण, पूरे नागपुर बोलो, हमारे आसपास तो हम देख ही रहे, रामटेक में सब जगह 3 3 4 4 दिन के प्रोग्राम भी इतने सुंदर सुंदर लोगों ने राम के ऊपर रखे हुए हैं, सारी जगह और पूरी नगर को ऐसे सजाया हुआ है, पूरा भारतवर्ष पूरा सजा हुआ है। तो ऐसे महान दिवस जो प्रमाण सागर जी ने कहा, प्रथम तीर्थंकर का र और अंतिम तीर्थंकर का म, 24 तीर्थंकरों में उस राम तत्व को अपने अंदर जगाइए। वो लोकोत्तम पुरुष, महान पुरुष थे, और हमारे अंदर जो सबके अंदर विराजमान है वो आत्म राम विराजमान है, और उस राम तत्व को आपको जगाना है, और उस राम तत्व को जगाने के लिए मौन रहना अति आवश्यक है, जो हमने 21 दिवसीय मौन साधना शिविर रखा है। ये मौन साधना के माध्यम से हम अपने अंदर के राम तत्व को जागृत कर सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर ही सब है। इसके लिए हमें अंदर जाना होगा, बाहरी व्यापार पंचेंद्रिय का बंद करके हमें अंतरंग में जाना होगा, उस राम तत्व को जगाने के लिए। एक भजन में बहुत सुंदर लाइन आती है, पट्टी खोले प्रभु दर्शन पाए, पट्टी खोले प्रभु दर्शन पाए, तेरे अंतर राम बसे हैं, तेरे अंतर राम बसे हैं, तू पगले नाही लख पाए, पट खोले प्रभु दर्शन पाए, पट्टी खोले प्रभु दर्शन पाए। आज अयोध्या के पट खुल रहे हैं, उसी प्रकार हमारा अयोध्या रूपी जो शरीर है और इसके अंदर जो राम रूपी मंदिर है, जिसको हम 21 दिन में निर्माण करने वाले थे, 21 डेज में एक आंतरिक मंदिर का निर्माण की प्रक्रिया हमने शुरू की थी, जिसके पट आज खुल रहे हैं, जो हमारे अंदर राम बसे हुए हैं, हमारा जो शरीर, ये अयोध्या रूपी शरीर हमारा, और इसके अंदर राम विराजमान है, इसके भी पट हमें खोलना है, तो उस राम तत्व के हमें दर्शन निश्चित ही होंगे। तो ये कैसे संभव है? तो ये मात्र मौन, मौन और मौन से संबंध है। और 21 डेज में तो एक नए शरीर का निर्माण होता है, एक नए अयोध्या नगरी का आपके निर्माण हो गया, और उसके अंदर एक नए मंदिर का निर्माण हो गया। 21 डेज में एक आंतरिक मंदिर निर्माण करने की प्रक्रिया हमने प्रारंभ की थी मौन साधना के माध्यम से, और वह हमारी पूर्णता की ओर अंतिम 3 दिवस, क्योंकि उसके पीछे जो मन मंदिर है, उसके पीछे जो छुपी हुई हिडन चीजें थी, क्या थी? आनंद, शांति, प्रेम, स्नेह। उस हिडन चीजों को ढूंढना हमें बहुत मुश्किल था, और वह हमारी प्रतीक्षा कर रही थी। आनंद आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, शांति आपकी प्रतीक्षा कर रही थी, वो सब प्रतीक्षा हमारी पूर्णता की ओर जा रही है। मौन साधना के माध्यम से हम उस अपार शांति को ढूंढ पा रहे, उस अपार आनंद को हम ढूंढ पा रहे,
उसकी यदि हम वाणी के माध्यम से कहें तो वाणी में इतनी शक्ति नहीं कि उसको व्यक्त कर सके। वाणी में वो शक्ति नहीं है। जो हमारी शक्ति है कौन सी? ज्ञान और वैराग्य की शक्ति। उसको हमें जगाना होगा, उस शक्ति को हमें बढ़ाना होगा, तब क्या होगा? उपयोगो लक्षणम। जो हमारा उपयोग है उसको हम स्थिर कर पाएंगे। हमारे कर्मों की धारा निरंतर बह रही है, जैसे पानी बह रहा है, बह रहा है, बह रहा है। यदि किसी को बांध बनाना है तो उस पानी को वो रोकता है, उसका बांध निर्माण करता है। पानी को रोकना कोई मामूली बात नहीं है, उसको रोक के बांध बनाता है। उसके लाभ क्या होते हैं? तो एक विद्युतीकरण जिसके माध्यम से हम कई कार्य करते हैं, क्योंकि विद्युत से ही पूरा संसार चलता है। तो वो विद्युत का निर्माण, जब बहते हुए पानी को रोकना इतना आसान नहीं है, कोई टेक्नीशियन ही उसको रोक सकता है। जब हम बहते हुए पानी को रोक के इतना बड़ा लाभ ले सकते हैं, यही नहीं, जो हमारा अन्न वस्त्र निवारा जो कि हमें किसान से प्राप्त होता है, उसके खेतों में भी सिंचाई उस प्रकल्प के द्वारा हो जाता है, और वो काम महान एक टेक्नीशियन ही कर सकता है। उसी प्रकार हम भी कोई कम जादूगर नहीं है, हम भी कोई कम टेक्नीशियन नहीं है, हम भी बहुत बड़े टेक्नीशियन हैं। जो हम हमारे कर्मों की धारा को रोक सकते हैं, जब हम निरंतर कर्मों की जो धारा हमारी बह रही है उसको हम रोकेंगे, उस पर हम जब बांध बनाएंगे तो आने वाले नए कर्म जो है वो रुक जाएंगे। आने वाले नए कर्मों को रोकना हमें बहुत जरूरी है। कर्मों को रोक करके उससे जो हमें शक्ति उत्पन्न होंगी वो हमारे वैराग्य को और ज्ञान को बढ़ाएंगी, और उस शक्ति के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? हम अपने उपयोग को स्थिर कर सकते हैं। ज्ञान और वैराग्य के द्वारा हम चैनलाइज कर सकते हैं क्या? कर्मों के बंध को रोक सकते हैं। ज्ञान और वैराग्य की दो धाराएं निरंतर हमारे माइंड से बह रही है, ज्ञान की धारा और वैराग्य की धारा। उस शक्ति को हमें बढ़ाना है और अपने उपयोग को स्थिर करना है, क्योंकि मन वचन काय की चंचलता, उसे हमें रोकना होगा। स्थिरता को प्राप्त करना ही होगा, क्योंकि यह चंचलता पूरे संसार में भटकाने वाली चंचलता है। उसे हमें सही दिशा देनी ही होगी, उसे निष्क्रिय बनाना ये ठीक नहीं कि हम उसे निष्क्रिय बना दें, नहीं, वो प्रवृत्ति शून्य हो जाएगा। हमें उसे क्या करना है? निवृत्ति की ओर ले जाना है। निवृत्ति की ओर लेके जाना यानी क्या? निवृत्ति की लेके जाना यानी प्रवृत्ति को अध्यात्म मूलक बनाना। जो हमारी प्रवृत्ति, हमारा स्वभाव है, उसे अध्यात्म मूलक बनाना है। और वो कब बनेगा? जब हमारे मन वचन काय में स्थिरता होगी। हम देख रहे थे कल परसों 2-3 दिन से जब नागपुर लौटे हैं, कई लोग चल रहे हैं, कई लोग इधर देख रहे हैं, कई लोग उधर देख रहे हैं, कोई सामायिक कर रहा, ऐसे नहीं। जब आप मौन साधना कर रहे हो, मात्र आधा घंटे की तो है, मन वचन काया तीनों को स्थिर करके बैठिए शांति से, तभी आपकी ये मौन साधना करना सार्थक है। यदि हमें अपने शक्ति का सही दिशा में उपयोग करना है, बड़ी मजेदार बात है, कुछ नहीं करना है। यदि आपको अपनी शक्ति को सही दिशा में लेके जाना है, यदि उसे बाहर इधर उधर वेस्ट नहीं करना है, अपव्यय नहीं करना है, तो मौन हो जाओ। मौन हो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। मौन होना है आपको, मौन होना, इससे बेस्ट और कोई उपाय नहीं है, बस मौन हो जाइए। तो विचार करिए कि हम अपने मन वचन काय की पवित्रता निश्चय ही किस दिशा में लेके जाना है, निश्चय करिए किस दिशा में हम ले जा सकते हैं। मौन साधना के माध्यम से ही हम उसे एक सही दिशा दे सकते हैं, मन वचन काय की चंचलता को, वरना वो तो फ्री घूम रही है पूरे संसार में। आप यहाँ भरूर बैठे हो, पर आपका मन सारी दुनिया में घूम रहा है। आपको उसके वश में करना है।
उसको अवश की क्रिया प्राप्त करनी पड़ेगी। आप उसमें वश में कर लीजिए, अवश की क्रिया जो है उसको समाप्त कर दीजिए। मन हमारे वश में है ही नहीं। जब अवश हो जाएंगे तो अवशी से कई क्रियात्मक कार्य उत्पन्न हो जाएंगे। तो आप चलेंगे मौन साधना की ओर। एक और बात आपको बता दूं, हमारी 3 दिवसीय के हम फार्म कल परसों रिलीज कर देंगे, 1-2 दिन में 3 दिवसीय के रजिस्ट्रेशन फॉर्म बन चुके हैं, वो अभी जल्दी ही आपके सामने आएंगे, उसको जल्दी जल्दी भर दीजिए। 29, 30, 31 मार्च आपका मोबाइल से कनेक्शन दूर, घर से भी कनेक्शन दूर, और 3 दिन आपको मात्र मौन रहना है, 29, 30, 31 मार्च, और 1 तारीख को सुबह या 31 के साथ में रात में आप जा सकते हैं। 31 के रात में भी आप जा सकते हो और 1 को सुबह भी आप निकल सकते हो। 3 दिवसीय मौन साधना जिसमें मोबाइल आपके सब जमा हो जाएंगे, एक नंबर सिर्फ शुरू रहेगा जैन साहब का, जिसपे आपके घर के लोगों को आपको वो नंबर दे देना है, कोई भी बात करना है, कुछ इमरजेंसी है, उस नंबर पे आपको बात करनी होगी। मौन साधना शिविर 29, 30, 31 मार्च हस्तिनापुर में, जिसका नाम है आत्मोपासना शिविर। ये आत्मोपासना शिविर 29 तारीख से प्रारंभ होगा, 28 मार्च को आपको सबको हस्तिनापुर पहुंचना है। चलेंगे अब हम हमारे मौन साधना शिविर की ओर। सभी लोग शांत बैठे, तन पे मन पे चेहरे पे कोई तनाव नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, मन शांत, वचन शांत, काया शांत। 3 बार ओम का उच्चारण करना है। उसके पहले हम देखेंगे मोक्ष स्थान की ओर। दशों दिशाओं में एक ओम उछल रहा है। दिशाओं में एक ओम उछल रहा है। दशो दिशाओं में संचरण करता हुआ आपके ज्योतिष चक्र से होता हुआ शास्त्रार्थ चक्र से होता हुआ आपके हृदय पर विराजमान होता हुआ आपके हाथों में एक बड़ा सा ओम आ रहा है। पंच परमेश्वरी गर्भे तीन ओम आपके हाथ में विराजमान होकर आपके हाथों को पावरफुल बना रहा है। कषायों का शमन करेंगे। क्रोधम क्रोधम जी नष्टम 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 माणम 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 जी नष्टम 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 माया 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 जी नष्टम 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 जी लोभम 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 जी नष्टम 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 जी। कषायों का शमन परमेश्वरी की ओम आपके हाथों में विराजमान हो रहा है। आप देखेंगे आपके हाथ आपको भारी लग रहे हैं। जहाँ पंच परमेश्वरी विराजमान हो चुके वो हाथ कैसे हो सकते हैं? चारों प्रकार के आहारों का त्याग करके आप लोग बैठेंगे एकदम शांति से, मन शांत, वचन शांत, काया शांत। दोनों हाथों को नाभि स्थान पर ऊपर लेके जाए, सिद्धासन लगा दीजिए, या ज्ञान मुद्रा आप लगा सकते हैं या वैराग्य मुद्रा आप लगा सकते हैं। हमें ज्ञान और वैराग्य की धारा की शक्ति बढ़ानी है। ज्ञान मुद्रा या वैराग्य मुद्रा लगाकर बैठेंगे। आपको जैसा कंफर्टेबल है वैसा बैठिए। सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, खड़गासन, पायोस्कर मुद्रा जैसे आपको लगता है वैसे आप बैठिए। 3 बार ओम का उच्चारण कर यह मौन साधना प्रारंभ करेंगे। श्वास ओ लंबी गहरी श्वास ओ ओ oh।
एक मंत्र, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। Thank you.
तीन बार ओम का उच्चारण, लंबी गहरी श्वास। अगेन लंबी गहरी श्वास। प्रतिक्रमण। हे अरिहंत प्रभु, मुझसे मन वचन काय द्वारा, क्रोध मन माया लोभ द्वारा, समरम समारंभ आरंभ द्वारा, कुतकारित अनुमोदना द्वारा, सच्चे देव गुरु शास्त्र की अभिनय अश्रद्धान हुआ, मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे तथा हे प्रभु, मुझसे इस भाव में या पूर्व भाव में एक इंद्री से लेके पंचेंद्री तक किसी भी जीव की विराधना हुई हो, घात हुआ हो, दिल दुखा हो, टेंशन हुआ हो, आदि व्याधि हुई हो, कभी मेरे गाड़ी तले आके उनके जिधरे जिधरे हुए हो, मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। मिच्छा भी दुखड़ा प्रमाद इत्यादि विभाव द्वारा, अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार के द्वारा कभी किसी व्रतों में दोष लगा हो, मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। हे प्रभु, मैं भावना भाता हूँ, जब भी मेरा देह विसर्जन होवे, समाधि संलिखना पूर्वक ही होवे, मैं लेट के नहीं बैठ के जाऊंगा, मैं लेट के नहीं मैं बैठ के जाऊंगा, मैं घर से नहीं मैं मंदिर से जाऊंगा, मैं घर से नहीं मैं मंदिर से जाऊंगा, मैं प्रभु के गुरु चरण से जाऊंगा। इसी भावों के साथ मैं अपने शरीर को संयम रूपी मंदिर बनाकर उस पर संलेखना रूपी कलश धारण करके ही जाऊंगा। मैं 11 प्रतिमाओं में अपना एडमिशन कराकर 2 प्रतिमा तो निश्चित ही धारण करके नियम संयम पूर्वक समाधि संलेखना पूर्वक ही देह विसर्जन करूंगा। इसी भावों के साथ मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ। मौन रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, मौन रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। स्वस्थो हम सुरक्षितो, ओम नमो आरोग्यो हम परम स्वास्थ्य स्वरूपो। सभी को जय जिने, सभी को धन्यवाद। इतने दिनों से ऑनलाइन चुप बैठ जाना,
इससे बढ़ के कोई आठवां आश्चर्य हो ही नहीं सकता कि शांति से सब लोग आधा घंटे तक बोलकर अपने अंदर एक अद्भुत शक्ति का संचार कर रहे हो जो आपको भी पता नहीं। इस मौन साधना के माध्यम से आपके अंदर एक अद्भुत शक्ति का निर्माण हो रहा है। जो छिपे हुए आनंद था, छिपा हुआ शक्ति था, उसका प्रचार प्रसार, उसका चैनलाइजेशन हो रहा है। सभी को बहुत बहुत एक बैनर में दिखा देती हूँ आपको। 21 डेज हमारा ये एक प्रैक्टिस था। एक बैनर आपको दिखा रहे हैं।